नमस्कार दोस्तों, ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह, आज मैं बात करने जा रहा हूं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे और महज 2 हफ्ते बचे हैं, और एक तरह से अब हरियाणा में चुनाव की गर्मी बढ़ गई है, चुनाव का माहौल बन गया है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अब चुनाव मैदान में आ चुके हैं कुरुक्षेत्रा की रैली, हालांकि उनकी बहुत भीड़ भाड़ नहीं हुई रैली में, बावजूद इसके कि एक तरह से सारे लोग मैदान में उतर चुके हैं। अमित शाह मैदान में हैं, चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। या अब स्थितियां ये हैं कि हरियाणा की तस्वीर कहीं ना कहीं अब कुछ समझ में आने लगी है। इसके पहले जो आकलन थे वो चुनाव के पहले के आकलन थे, लेकिन अब चुनाव जिस तरह से जा रहा है उसका जो आकलन है उससे एक तस्वीर जो उभर रही है वो दिख रहा है। और जो दिख रहा है वो ये है कि हरियाणा में लगभग स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी बढ़त की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पीछे छूट रही है, ये आज का आकलन है। हालांकि ये आकलन पहले से भी चल रहा है, चुनाव के पहले भी लोक पोल का एक सर्वे आया था जिसने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी 58 से 65 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 18 से 28 सीटों के आसपास होगी। तो कमोबेश उस सर्वे में भी इस तरह की बात थी, लेकिन वो चुनाव के पहले का सर्वे था। वैसे देखें तो पिछले 10 सालों से जो लोकसभा चुनाव और जो चुनावों के रिजल्ट हैं उससे भी तस्वीर समझी जा सकती है। भाई सच्चाई तो यह है कि हरियाणा का जो लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था वहीं से हरियाणा में भाजपा की बड़ी एंट्री हुई थी। एक तरह से मोदी ने भाजपा खड़ी की है हरियाणा में। 2014 में 7 सीटें लोकसभा सीटों को भाजपा ने जीता था और विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा अकेले 47 सीट जीत के सत्ता में आई थी। तब खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया और खट्टर साहब को हरियाणा में लोग जानते भी नहीं थे, मोदी के नाम पर वोट पड़ा था और कहा गया कि खट्टर साहब मोदी जी के बहुत गहरे दोस्त हैं, पुराने रिश्तों में हैं और संघ के समय से काम करते थे और खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। खट्टर साहब 5 साल चले, 2019 का भी जो चुनाव हुआ तब तक खट्टर साहब रहे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 58% वोट मिला और भाजपा ने लगभग लगभग क्या सारी की सारी 10 सीटें जीत ली। लेकिन तो 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त भाजपा को महज 40 सीटें मिली और 36% वोट शेयर मिला। साफ हो चुका था कि मोदी जी का माहौल तो है लेकिन खट्टर साहब की सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी है, तो भाजपा ने फिर भी जेजेपी के साथ मिलकर जुगाड़ करके सरकार बना लिया। खट्टर साहब ही मुख्यमंत्री थे पिछले लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। खट्टर साहब को हटाया गया और जेजेपी से रिश्ता अलग किया गया, एक कॉम्बिनेशन के तहत माना गया कि इनकम्बेंसी को कम करेंगे। बहरहाल आज जब चुनाव होने जा रहे हैं उसके पहले 24 के चुनाव को देख लीजिए। 2024 में मोदी जी की भी छवि खराब हो चुकी थी, उनके खिलाफ भी इनकम्बेंसी थी और वोट शेयर भाजपा का 48 से 46% पे था और कांग्रेस पार्टी 47% पहुंच चुकी थी। ऐसे में एक बात तो तय है कि जब मोदी जी के खिलाफ इनकम्बेंसी है और वहाँ की स्थानीय सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की बड़ी बढ़त की जमीन बन गई थी और बढ़त थी, इसका आकलन सबके पास था। लेकिन जब तक चुनाव मैदान में पार्टियां न उतरें, जब तक कैंडिडेट्स डिक्लेयर ना हो, तब तक इसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल होता है या बोलना मुश्किल होता है। आज जब सारी पार्टीज के कैंडिडेट मैदान में हैं, सीटों में पर्चा वापसी का समय खत्म हो चुका है और लोग प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे में जो तस्वीर आ रही है वो एक बार फिर वही प्रूफ कर रही है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी बड़ी बढ़त की स्थिति में है। उसका बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो माहौल है वो इनकम्बेंसी के चलते ही नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग वो भी काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बेसिकली हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के बाद एक सोशल इंजीनियरिंग की कि गैर जाट ओबीसी को उन्होंने गोलबंद करने की कोशिश की थी। अभी बीच में खट्टर साहब को हटा करके जब उन्होंने एक नया मुख्यमंत्री सैनी साहब को लाया तो कोशिश सिर्फ ये थी कि एक ओबीसी का मुख्यमंत्री सामने रखा जाए और वो आज सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं। बावजूद इसके दिक्कत यह है कि जो सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओबीसी में वो पकड़ नहीं है। वो अपने समाज के नेता भले हैं, सैनी समाज के नेता हैं, उनमें उनकी पकड़ होगी। ओबीसी का कोई बड़ा चेहरा इनके पास अब तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, तो जाहिर सी बात है कि वो सामाजिक गोलबंदी अब जो है इनकम्बेंसी को रोकने में असफल है ओबीसी की। और इसी दौर में जब राहुल गांधी पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक न्याय को लेकर कितने आक्रामक हैं, तो उस ओबीसी की गोलबंदी को बचाए रखना भी इतना आसान नहीं है। तो कुल्ले देकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल जो था वो अब तक बरकरार है और भाजपा उसको काउंटर नहीं कर पा रही है। लेकिन भाजपा की जो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हरियाणा में भाजपा के सामने यह है कि पार्टी जीत हार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोदी जी की साख।
भाजपा मोदी जी के नाम पे खड़ी हुई है हरियाणा में, आज मोदी की साख दांव पे है। अगर हरियाणा में भाजपा बुरी तरह हारती है तो मोदी की साख को बड़ा बट्टा लगेगा और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में दूसरे राज्यों में भी भाजपा को भरना पड़ सकता है। यही कारण है कि भाजपा हरियाणा में पूरी ताकत झोंक रही है। और ताकत मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी बड़े पैमाने में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी प्रचार करने से शायद बचेंगे भी, हो सकता है उतनी बड़ी रैलियाँ न कर पाए पहले जिस तरह से रैलियाँ करते थे, क्योंकि वो सीधे तौर पर हरियाणा की हार का ठीकरा अपने सर पर नहीं फोड़ना चाहेंगे, पार्टी नहीं जाएगी फूट जाए उनके सर पर। तो मोदी जी अभी भी उस तरह से आक्रामक ढंग से हरियाणा में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, हो सकता आगे करें, लेकिन कुल ले देकर के मोदी जी के साख को बचाना भाजपा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सरकार बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा के बाद दूसरे राज्यों में पार्टी को जाना है। आगे महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, या फिर अब तो दिल्ली का भी चुनाव नज़दीक दिख रहा है। तो कुल ले देकर के भाजपा को मोदी के साख के लिए काम करना है, और यही कारण है कि चुनाव के ठीक पहले अब ऐसा लगता है कि भाजपा ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। सारे घोड़े खोल दिए मतलब कि जितने रास्ते हो सकते हैं चुनाव को रोकने का, अपने पक्ष में ढालने का, भाजपा कर रही है। आज चुनाव को भाजपा ने सबसे पहला कोशिश किया है कि चुनाव जो है बहुकोणीय हो जाए। आज दो गठबंधन भाजपा और कांग्रेस के अलावा और मैदान में है, जैसा कि आप हम सब जानते हैं, INLD का गठबंधन और JJP का गठबंधन। INLD मायावती के साथ और गोपाल कांडा के साथ है, और JJP जो है क्या नाम है, दलित नेता रावण के साथ है। तो कुल्ले दे करके आजाद समाज पार्टी के साथ है। कुल्ले दे करके जाट और दलित कॉम्बिनेशन का एक गठबंधन INLD का है, और जाट और दलित का दूसरा गठबंधन बेसिकली JJP और आजाद समाज पार्टी का है। कोशिश सिंपली है कि कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट है, जिस पे कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर रिलाई कर रही है इस चुनाव में, वो है जाट और दलित, उसको डेंट किया जाए। कितना डेंट होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन कोशिशें हैं। और मैं नहीं कहता हूं कि इन सारे गठबंधनों को भाजपा ने खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी दुनिया भर में जो चर्चा है, जो लोगों के बीच में चर्चा है, वो यही है कि भाजपा ने कोशिश किया कि गठबंधन वहां काम करे। तो एक तरह से ये भाजपा के छोड़े घोड़े हैं, हो सकता है सीधे तौर पर ना हो, लेकिन भाजपा चाहती है ये घोड़े मैदान में हों और इससे उनको फायदा होगा। और भाजपा की कोशिश होगी कि इस चुनाव में अगर वो बहुमत से दूर रहती है तो भी ये गठबंधन कुछ सीटें निकाल लें, 2-4-5 सीटें, और भाजपा 20-25 सीटें निकाल ले तो शायद सत्ता के आसपास पहुंच जाए, या फिर भी न पहुंचे तो भी कम से कम कांग्रेस पार्टी की जीत इतनी बड़ी ना हो। तो ये दोनों गठबंधन मैदान में हैं। हालांकि आकलन लोगों का ये है कि JJP के पक्ष में लोकसभा चुनाव में भी 1% तक का वोट नहीं गया था, जबकि JJP पिछले चुनाव में 14%, विधानसभा के चुनाव में 15% वोट पाई थी, और सिर्फ भाजपा के साथ जाने के चक्कर में JJP 0 हो गई थी। आज JJP की स्थिति कमोबेश उसी हालत में है। INLD कुछ ही इलाकों में शायद कुछ ठीक ठाक कर ले। मायावती की कोई विश्वसनीयता नहीं है, जनता के बीच में लगभग ये मैसेज है कि मायावती भाजपा के लिए बैटिंग कर रही हैं, और तमाम लोकसभा चुनाव में भी लोगों को दिखा है। तो कितना मायावती जोड़ पाएंगी, INLD और मायावती का गठबंधन कितना करेगा, ये सब अभी तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन बहुत उत्साहजनक बातें नहीं दिख रही। कुछ 2-4 सीटों पर उनकी स्थिति दिख रही है। एक और मोर्चा मैदान में है, एक और पार्टी अब मैदान में है, वो है आम आदमी पार्टी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और केजरीवाल साहब जेल से जमानत के बाद छूट के बाहर आ चुके हैं, और दिल्ली मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं, तो एक नए मोमेंटम के साथ वो भी हरियाणा के चुनाव में होंगे। यहाँ भी वही कहानी है कि लोगों का मानना है कि भाई भाजपा चाहती है कि अरविंद केजरीवाल मैदान में हों। तो मैं नहीं कहता हूँ कि कोई, पहले भी मैं कहता रहा हूँ, मैंने भी एक वीडियो में कहा कि भाई उनके बीच में हो सकता है कोई समझौता ना हो, लेकिन मैदान में होंगे तो भाजपा को थोड़ा फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली से बाहर निकलकर हरियाणा में फोकस करेंगे, हरियाणा उनका फोकस रहा है, पहले भी वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, तो शायद कुछ वोट तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान करेंगे, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गरीब है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित है, और एक पढ़ा लिखा तबका है जो उनके पास ऑलरेडी उनके कार्यकर्ताओं का है, तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को डेंट कर सकते हैं। भाजपा को अपेक्षा है, कितना करेंगे ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा नहीं है। तो कुल देकर के हम देखें तो भाजपा सारे घोड़े खोल चुकी है, घोड़े चुनाव मैदान में पार्टियों के रूप में, गठबंधन के रूप में, और स्थानीय स्तर पर भी भाजपा बहुत काम कर रही है। कई निर्दलीय सीटें ऐसी हैं, विधायक ऐसे हैं जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके लिए भाजपा काम कर रही है, जैसे सावित्री जिंदल है, जिनके बेटे नवीन जिंदल कभी कांग्रेस के सांसद थे, आज भाजपा के सांसद हैं। सावित्री जिंदल निर्दलीय लड़ रही हैं हिसार में, कहा जा रहा है कि उस सीट पर भी भाजपा कोशिश कर रही है कि शायद सावित्री जिंदल जीत जाएं,
भाजपा का कैंडिडेट हार जाए, भाजपा इस तरह की कई तरह के निर्दलीय कैंडिडेट्स को भी चाहेगी कि मैदान में बाजी मार दें, वहाँ भाजपा अपने को भले तीसरे चौथे पे ले जाए, क्योंकि कुछ सीटों का उन सीटों पर कैंडिडेट भी ऐसे उतारे गए हैं ताकि वो कांग्रेस की सीटें कम हो पाए। क्योंकि निर्दलियों के साथ सबसे पॉजिटिव बात है कि जो भाजपा के खिलाफ जो इनकम्बेंसी है वो काम नहीं करेगी, अगर वो लोकल कॉम्बिनेशन अपने पक्ष में घुमा पाते हैं, जो सावित्री जिंदल के साथ दिख रहा है, तो शायद भाजपा जो है कुछ और सीटें कांग्रेस की झोली से निकाल ले और लड़ाई को कड़ा कर दे। हालांकि लड़ाई कितनी मुश्किल होगी, कितनी कड़ी होगी, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी लगभग 15-17 दिन का समय बाकी है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हारी हुई बाजी को पलटना जानती है, भाजपा चुनाव लड़ना जानती है, कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी रिलेक्टेंट हो जाती है, और तो हमें इसे इस बात का इंतजार करना चाहिए। देखते हैं कि 14-15 दिनों में बाजी कैसे पलटती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस बड़ी बढ़त की तरफ है। अगर कांग्रेस पार्टी इस बढ़त को बरकरार करती है तो शायद भाजपा का बड़ा नुकसान होगा, मोदी जी की छवि को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन फिर भी भाजपा के खेल का हमें इंतजार करना चाहिए। देखते हैं भाजपा किस तरह से चुनाव में आगे 15 दिन कैंपेन करती है, क्या कुछ बदलता है। तो बहरहाल इंतजार करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।